वहीं जगदलपुर में पुलिस का अपराध के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने धोखाधड़ी का खुलासा किया है। दरअसल 30 युवकों के साथ नौकरी के नाम पर 21 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई थी। आपको बता दें, पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने जांच टीम गठित की और मुख्य आरोपी नारायण बघेल को हिरासत में लिया है। बहरहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। आएंगे अभी कोतवाली थाने में 400 का मामला कायम किया गया है नौकरी नगा में ठगी के बारे में। कल एक प्रार्थी है रोहित कुमार साहू, जिसने बताया कि शिकायत किया कि मार्च 2022 में लेबर यूनियन मजदूर कल्याण संघ के अध्यक्ष के द्वारा इसे नौकरी लगाने के नाम पर पैसे की मांग की गई है। 1.5 लाख रुपये उसने मांग किए और कहा कि जो कंपनी है उसमें भृत्य एवं कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर भर्ती की जाएगी।